दोस्तों अंबानी और अडानी से हटकर आज हम बात करेंगे हाल ही में बनी भारत की सबसे अमीर वुमेन सावित्री जिंदल के बारे में। दोस्तों इनका जन्म 1950 में असम के टिनसुकिया टाउन में हुआ था। इसके अलावा इनकी शादी ओम प्रकाश जिंदल से हुई थी, जो कि जिंदल ग्रुप के को फाउंडर है, जो कि स्टील और पावर का बिजनेस करता है। 2005 में एक हेलीकॉप्टर क्रैश के अंदर ओम प्रकाश जिंदल की डेथ हो गई। इसके बाद इनकी वाइफ सावित्री जिंदल ने इस बिजनेस को टेक ओवर कर लिया और उसकी चेयरमैन बन गई। और आज 72 ईयर्स की एज में भी ये अपने बिजनेस को बहुत ही अच्छी तरह चला रही है। और जहां पर 2 साल पहले इनकी नेटवर्थ 4.8 बिलियन डॉलर्स थी, वहीं पर 2 साल के बाद 2022 में बढ़कर 17.7 बिलियन डॉलर्स हो गई। और फोर्ब्स के अकॉर्डिंग ये दुनिया की 94th और इंडिया की सबसे अमीर वुमेन बन गई। दोस्तों आप लोगों का इनके बारे में क्या ख्याल है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।